नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे गार्डनिंग सेशन में। और आज हम आप बात करेंगे आपसे, ये देखिए खूबसूरत प्लांट, शायद आपको पता हो नाम इसका, बहुत ही आम है ये, लेकिन क्या होता है इस जलती हुई गर्मी में बहुत बढ़िया कलर देता है। फूल नहीं है, एक पौधा ही है, लेकिन ये फूलों जैसा ही कलर देता है। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया कलर आपको दिखाई देंगे। ये अपने आप में अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये कुछ अलग है, ये अलग है। अब इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में देखिए सेम कलर था, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे थोड़ा मुरझाया हुआ है और कलर इसका लाइट हो गया है। तो क्या इसका कारण है लाइट होने का, ये आपको बताऊंगा मैं। और इसको हम कैसे लगा सकते हैं, इसके लगाने के दो तरीके हैं। एक तो बीज से, तो बीज से लगाना बड़ा टिपिकल होता है कि पता नहीं कैसा निकलेगा नहीं निकलेगा। तो मैं आपको इसकी कटिंग से भी लगाना सिखाऊंगा, और ये कलर क्यों इसका लाइट हो जाता है और इसका क्यों डार्क रहता है ये भी हम बात करेंगे, और इसका कैसा सॉइल होना चाहिए ये भी जानेंगे। तो आज ये तीनों चारों चीज जानेंगे ताकि आप अपने घर में लगा सके। बड़ा ही हार्डी प्लांट है, और इसको लगा करके पौधे में ही फूलों जैसी खूबसूरती ले सकते हैं। इतना बढ़िया कहीं भी रखा हुआ हो आपके घर में बहुत ही सुंदर लगता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो डार्कनेस आप देख रहे हैं, इस पौधे में डार्कनेस देख रहे हैं ये, और इसको देख रहे हैं ऐसे मुरझाया हुआ, लाइट कलर का कारण क्या है। देखिए कहीं ना कहीं इनको धूप चाहिए होती है, थोड़ा सेमी शेड चाहिए, लेकिन धूप की कुछ मात्रा चाहिए। धूप के अंदर आप जानते हैं कि रेनबो के 7 कलर जो होते हैं वो 7 कलर होते हैं, और उसी से ये प्लांट जो है हमारे कलर को एडप्ट करते हैं। तो ये क्या है कि डायरेक्ट सनलाइट में नहीं था, ये इनसाइड द रूम रखा गया, पिछले एक हफ्ते से इनसाइड द रूम है, जिस वजह से इसके कलर जो हैं फेड हो गए। और ये देख रहे हैं कि ये कमजोर कमजोर पत्तियां हो गई, जहां सनलाइट ना मिलने की वजह से इसको नहीं मिला सनलाइट, और उसकी वजह से ये कमजोर पत्तियां पतली पतली हो गई। और इसमें देखेंगे तो बहुत हार्डी पत्ते हैं और एकदम हेल्दी है। तो ये डिफरेंस हो जाता है अगर आप इनसाइड रख देते हैं। कहीं भी कोलियस ऐसी जगह रखिए जहां पे 2 से 3 घंटे की इसको धूप मिले, तो ये बहुत ही बढ़िया चलने वाला प्लांट है। सर्दियों में थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन सर्दियों में आपने ठंडी हवा में नहीं रखना है, किसी शीशे के पास रख दें जहां से जो है सनलाइट इसको मिल जाती हो, लेकिन ठंडी हवा ना मिले, तो ये पूरा साल आपके घर को हरा भरा रखेगा। अब बात आती है बीज से। एक तो तरीका होता है कि हम बीज से लगाते हैं, तो बीज से लगाने वाला जो है वो बड़ा टिपिकल काम है, कई बार उगता है कई बार नहीं उगता है, कलर का नहीं पता होता। तो उसको हम छोड़ते हुए, बीज को उगाने का तरीका आप लोगों को पता है, उसे हम अगला तरीका ले लेते हैं। तो दोस्तों इसको लगाने के लिए क्या करना है, हमने ये टहनियाँ देखिए, इनमें से इन्हीं पौधों में से हमने काट ली, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इस तरह से काट लिया। ये जो नोड है, ये नोड क्या चीज़ होती है ये देख लें, ये नोड है जहाँ से हमने पत्ते निकाले, तो रूटिंग जो है ऑलमोस्ट यहीं से होती है। इनमें से पत्ते हमें कम करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब ये मदर प्लांट से अलग हो गया है और इसमें से रूटिंग होनी है, तो इसके ऊपर लोड कम होना चाहिए। कहने का मतलब इसके ऊपर जो वर्किंग है इसकी कम हो जानी चाहिए, पत्ते जितने कम रहेंगे उतनी एनर्जी की कम जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से नोड ले लिया हमने। अब सिंपल सी मिट्टी में, ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धूप से थोड़ा बचाना होता है, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए और बिल्कुल धूप ना देंगे तब भी खराब हो जाएगा। तो इस तरह से गमले की सिंपल मिट्टी लें। जब भी कभी ये चीज़ें लगानी हो इस तरह से डायरेक्ट आपने, तो बहुत ज़्यादा खाद आपने नहीं डालना होता है। उसमें क्या करना है, इसके अंदर जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो ये है हमारा स्टोन पाउडर, कैल्शियम फॉस्फोरस जिंक, इसकी एक मुट्ठी हम एक गमले में डाल देंगे। और डाल सकते हैं तो हल्का सा आप ये लीप कंपोस्ट जो है ये डाल सकते हैं, बस जस्ट न्यूट्रिशन के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा इसको जो है खाद ना रहे, नहीं तो ये रूट निकल लेंगे और जो खाद ज़्यादा रहेगा तो वहीं पे मर जाएंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी, पौधा आपका सर्वाइव नहीं होगा। इतना करने के बाद आपने, मैंने एंटी फंगल बताया कोई चीज़, तो कोई केमिकल ना हो तो आप सभी के घरों में एलोवेरा लगा होता है, इसका भरपूर इस्तेमाल करिए ऑर्गेनिक तौर पर। ये देखिए ये सिंपली जो है हम इसके बीच में ये एक बारी घोल में डालेंगे, ये देखिए जितना मिट्टी में जाना है उतना इसमें जेल लग गया, और इसको हम सीधा ऐसे डाल दें। एक ही गमले में हम 10-12-15 कटिंग को लगा देते हैं, और जब ये इनकी रूटिंग हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर जो है ना इसकी रूटिंग बढ़िया हो जाएगी, और इसको फिर कहीं भी आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और यही पौधा आप नर्सरीज में जाते हैं लेने के लिए तो 100 रुपये, 50 रुपये, 150 रुपये, जो भी आपका जैसा जिसको लगता है, कोई 200 में भी देता होगा, कोई 25 में भी देता होगा, तो वो मिलता है। तो इसको आप अपने घर में ही बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और इस गर्मी के अंदर अभी से लेके एंड तक खूबसूरती
कहीं भी किसी कोने में आप रख देंगे आंखों को देखने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। मतलब फूल ना होते हुए भी फूल सा जो है हमें लुक देता है और बहुत ही बढ़िया रहता है घर के लिए। जैसे ऑक्सीजन हर प्लांट में होता है तो इसके अंदर भी ऑक्सीजन की गिविंग कैपेसिटी होती है। तो इस तरह से हमने लगा करके और इसको पानी डाल देना है। पानी रोज नहीं डालना है, इतना भी नहीं डालना है कि बिल्कुल गल जाए। जैसे आज डालेंगे ये भी खाएगा नहीं, और धूप में नहीं रखना है, छांव में रखना है। तो 15 दिन में मैंने बताया कि पानी डालेंगे, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी डाल दें, या जैसे रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से पानी डालिए और बहुत बढ़िया ही आपका ग्रो कर जाएगा। इसके बाद ये 10 पौधों को आप 10 गमलों में लगाएं और इस तरह से जैसे देखिए कि इतने खूबसूरत छोटे छोटे से गमलों में पौधे हैं वो आपके हो जाएंगे। और दूसरी बात, अगर लगे हुए हैं इनके कलर प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उसके लिए क्या करना है, देखिए हमारे पास ये होता है इनका इंडोर मिक्स। इंडोर प्लांट की कैटेगरी में ही आता है। इस इंडोर मिक्स को हम क्या करते हैं, ये इसका जो है 2 मुट्ठी, इन गमलों में 2 मुट्ठी कैसे डालना है ये देखिए। ये थोड़ा थोड़ा आपने खोद लेना है मिट्टी को, ऐसे ऐसे मिट्टी को खोलना है, और ये 1 मुट्ठी हमने ये इधर डाल दिया, ढक दिया मिट्टी से। दूसरी तरफ से फिर इसके अंदर खोदना है और ये इंडोर मिक्स की 1 मुट्ठी हमने इधर डाल दी और मिट्टी से ढक दी। इसके बाद सीधा आप पानी डाल देंगे और आप देखेंगे कि जो ये हमारा इंडोर मिक्स है, ये सारी चीजें इसकी कंप्लीट है। इसके कलर और इसके पत्ते इतने बढ़िया और बड़े बड़े निकल के आएंगे, बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। तो ये कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आपको हर 15 दिन हफ्ते में डालना है, ये 2 से 3 महीने में एक बार आप इसको इंडोर मिक्स दे सकते हैं, क्योंकि ये कोई फ्रूटिंग प्लांट नहीं है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसको पत्तों का ही है, तो इसमें बहुत जल्दी जल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, बहुत ही खूबसूरत पौधा है, ज़रूर अपने घर में लगाइए और इसका जो खूबसूरती का आनंद उठाए इस भरी गर्मी में।